हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप ने एक वायरल वीडियो में खुद को और अपने दोस्तों को लेकर क्या कहा था। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप मारा गया है, लेकिन उसके नाम पर अभी भी अपराध होने थम नहीं रहे हैं, क्योंकि लड़के दुर्लभ कश्यप से प्रभावित हैं और वे बिल्कुल दुर्लभ कश्यप की तरह ही कपड़े पहनकर रहते हैं और माथे पर टीका व गले में गमछा लगाकर रहते हैं। दुर्लभ कश्यप 2020 में एक गैंगवार के चलते मारा गया था और तब से लेकर अब तक ऐसे अनेकों मामले आ चुके हैं जिनमें बदमाश अपराध करने के बाद अपने आप को दुर्लभ कश्यप का फैन बताते हैं और वो भी दुर्लभ कश्यप की तरह ही बनना चाहते हैं और आपराधिक दुनिया में अपना खौफ फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप आज एक ऐसा नाम बन चुका है कि उसे उज्जैन में ही नहीं बल्कि उसे उज्जैन से बाहर के लोग भी उससे परिचित होने लगे हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप जब जीवित था तो उसने अनेकों अपराधों को अंजाम दिया था, जिसके चलते उसकी कई गैंग से दुश्मनी भी हुई थी और उन दुश्मनी के चलते दुर्लभ कश्यप की कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुई थी। साथ ही साथ उसकी धमकी देते हुए भी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दुर्लभ कश्यप की ऑडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमे दुर्लभ कश्यप अपने आप को और अपने दोस्तों को लेकर कुछ बातें कह रहा है। तो उसका छोटा सा पार्ट आप भी देखिए। मेरा हर भाई पूरे शहर पे राज चलाएगा, मेरा वर्चस्व मेरा इतिहास बताएगा। और बेटा, ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो बच्चे चलाते हैं, मेरा नाम गूगल पे डालना, फोटो बाद में, पहले मेरे वारदात बताएगा। तो दोस्तों, ये ऑडियो दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद काफी वायरल हुई थी, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो दुर्लभ कश्यप के द्वारा कही गई बातों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।